इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 20 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1988 में संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। देश दुनिया के इतिहास में 20 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 1780 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने हॉलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस ने 1830 में बेल्जियम को मान्यता प्रदान की थी। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, नेता और न्यायविद गोकर्णनाथ मिश्र का जन्म आज ही के दिन 1871 में हुआ था। आज ही के दिन 1919 में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने आव्रजन पर रोक लगाई थी। 1924 में आज ही के दिन जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की समय से पहले जेल से रिहाई हुई थी। आज ही के दिन 1956 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने बसों में होने वाले रंग भेद पर रोक लगाने का आदेश दिया था। प्रसिद्ध संत एवं समाज सुधारक संत गाडगे बाबा का निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। आज ही के दिन 1959 में भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर 9 विकेट झटके थे। उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म आज ही के दिन 1960 में हुआ था। आज ही के दिन 1963 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार को पहली बार पश्चिमी बर्लिन वासियों के लिए खोला गया था। 1971 में आज ही के दिन जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद छोड़ा था और जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने थे। आज ही के दिन 1973 में यूरोपीय देश स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एडमिरल लुइस करेरो ब्लांको की मैड्रिड में एक कार बम हमले से मौत हो गई थी। 1976 में आज ही के दिन इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन 1985 में तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 5.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला हीरा जड़ित मुकुट चढ़ाया गया था। 1988 में आज ही के दिन संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन 1990 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर परमाणु हमला नहीं करने पर सहमति जताई थी। 1993 में आज ही के दिन भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1999 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी हबल टेलीस्कोप की मरम्मत के लिए रवाना हुआ था। 2002 में आज ही के दिन दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सहयोग मांगा था। आज ही के दिन 2007 में पाकिस्तान की संघीय शरीयत अदालत ने पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।